ये पूरा यूनिक डिजाइन हो गया, मतलब अभी तक अपन ऐसा कुछ मूर्ति देखे नहीं है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पीके ब्लॉग 07। तो गाइस पिछले बार के आपने गणेश मूर्तियों का सीरीज देखा, जहाँ पे हम लोग रायपुर के माना गए हुए थे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मूर्तिकार हैं उनका आपको गणेश मूर्तियाँ दिखाए थे। बट इस बार मैं आ चुका हूँ एकदम डिफरेंट प्लेस, जिस जगह का नाम है औंधी और ये पड़ता है आपका दुर्ग जिले में। अगर कहें तो रायपुर और दुर्ग के बीच में ही पड़ता है। अगर आप रायपुर से भी यहाँ आना चाहते हैं तो लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ेगा और दुर्ग से भी लगभग सेम 20-25 किलोमीटर ही पड़ने वाला है। तो चलिए चलते हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं गणेश मूर्तियाँ। तो ये है इनका वर्कशॉप, एक तो ये वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। इसमें अभी कलर कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट और इसमें अभी कलर का काम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग ये वाले वर्कशॉप पे चल रहे हैं और इनका जो डिटेल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मूर्तिकार बल्ला चक्रधारी, और उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ ऊपर में आपको मिल जाएगा, पता है ग्राम औंधी विलाई 3। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये लॉक है, तो देखिए आते ही यहाँ पे आपको शानदार गणेश मूर्ति देखने को मिलेगी। और नीचे में है नंदी जी हैं, ऊपर में आपको गणेश जी, जो शिव जी के थीम पे बना हुआ है और देखने में क्या शानदार लग रहा है। देखिए ऐसे दिखाऊँ ना तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और जो डिटेलिंग वर्क है वो आप देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है, एक नंबर। और यहाँ पर देखिए नारद मुनि, और यहाँ पे आपको मूषक महाराज देखने को मिलेंगे जो अभी तैयार हो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस तरफ के जो मूर्तियाँ हैं उसमें कलर चल रहे हैं तो अभी इसमें ढका हुआ है। और इस तरफ में मैं आपको दिखाऊँ ना तो जो मूर्तियाँ हैं वो ढकी हुई है, लेकिन ऐसे ओवरव्यू करा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी है, क्या शानदार लग रहे हैं। और इस तरफ देखिए गणेश जी हैं गोद में माँ पार्वती के, और कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ भी दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का मूर्तियाँ बन रही है। हालांकि ये पॉलीथीन में अभी पैक है क्योंकि कलर का काम चल रहा है ना, तो छीटा उड़ता है, तो ऐसे कलर कंप्लीट में फिर कलर छीटा लगेगा, तो फिर इनको फिर से कलर चढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखो कितना शानदार लग रहा है। चलो और इस तरफ चलते हैं और इस तरफ की जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब क्या शानदार लग रहा है, और जो डिटेल वर्क है वो आप देखो, और कलर का काम देखो क्या शानदार लग रहा है। तो चलो इधर भी देखिए आप, है ना ज़बरदस्त। और इनका अभी इसमें स्टोन का काम चलेगा, अभी ऐसे देखो सिर्फ कलर ही हुआ है, और क्या गजब का लग रहा है। तो ये वाली मूर्ति देखो क्या शानदार लग रही है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो गज़ब का लग रहा है, और बैकग्राउंड भी देखिए। तो इसमें अभी कुछ कुछ स्टोन का काम हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे नेकलेस पे भी आप देखिए यहाँ पे स्टोन का हल्का फुल्का काम हुआ है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और इस तरफ का देखिए है ना ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और ये वाला देखिए, तो इनकी जो हाइट है वो लगभग 7 फीट 8 फीट के हाइट पे आएंगी। और मूर्ति देखो क्या गजब का लग रहा है, इसमें कुछ कुछ अभी स्टोन का काम हुआ है और कुछ कुछ बाकी है, और बैकग्राउंड में अभी काम होना भी बाकी है। और इतने में ही आप मूर्ति देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये वाला देखो, आपको ये मूर्ति थोड़ा सा यूनिक लगेगा, और कलर देखो कितना शानदार लग रहा है। ये वाला आप मूर्ति देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ बगल में आपको बैकग्राउंड पे आपको शेर मिलेगा। और इसमें अभी ना नीचे में कपड़े का काम होना बाकी है, और ऊपर की तरफ देखिए इस पर अभी स्टोन का काम होगा और उसके बाद लगेगा गजब का। चलिए सामने की तरफ चलते हैं। तो जो पैक है उस पर मैं आपको ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा आपको, लेकिन जो ऐसे अनपैक है जो दिख सकता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए,
तो ये तो हो गया ये वाला सेक्शन जहाँ पे अभी कलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अगले वाले सेक्शन पे चलेंगे जहाँ पे कलर का काम स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला आप देखिए, ये नंदी जी के साथ बाबा भोले माँ पार्वती, और सामने जो है आपको गणेश जी मिलेंगे। और इसका फ़ोटो मैं आपको हो सके तो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मूर्ति सामने से आप देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इनका जो फ़ोटो है ये देखो, कुछ इस तरीके से ये मूर्ति बनने वाला है ना, ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए अभी नेकलेस का काम चल रहा है। और मैंने आपको ये वाले वर्कशॉप पे लेके गया था जहाँ पे ऑलमोस्ट जो मूर्तियाँ हैं वो कलर हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ये वाला जो वर्कशॉप है ये भी उनका ही है, बल्ला चक्रधारी जी का। और यहाँ पे जो मूर्ति है उसमें कलर का काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे ही एंटर किए, और ये वाला देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हालाँकि जो मूर्ति है वो छोटी साइज में है, लेकिन जो टोटल फ्रेम है वो देखो क्या गजब का लग रहा है भाई, एक नंबर। और इस तरफ आप देखिए, साइज़ देखो आप, ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो लगभग 11 से 12 फीट की हाइट की आएगी। और जो मूर्ति है वो देखो, अगर चौड़ाई की बात करो तो लगभग 6.5 से 7 फीट की आएगी। और ये मूर्ति अपन देखिए, सेम ये भी वैसी ही है देखिए। और थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए आप मूर्ति, क्या डिटेल वर्क है भाई, एक नंबर। और यहाँ पे देखो गजब का, और यहाँ पे देखिए भाई एक नंबर। अभी तक हमने जितने भी मूर्तियाँ देखे हैं ना गणेश मूर्ति का, चाहे माना की बात करूँ तो उनमें से एक नंबर, मतलब ऐसा मूर्ति अपन ने अभी तक नहीं देखा, गजब का भाई। देखो कितना डिटेल वर्क है। और इसकी भी आप साइज देखिए, है ना ज़बरदस्त। लगभग ये भी 12 फीट की हाइट पे आएगी। और इसमें अभी सिर्फ पुट्टी का काम हुआ है। और अगर यहाँ से अगर गणेश पूजा देखें ना तो लगभग 6 से 7 दिन है उसमें ये सारी मूर्ति कंप्लीट करनी है। ये देखो, है ना ज़बरदस्त। तो इधर से पुट्टी का काम हुआ है, थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे वाइट कलर चढ़ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना गजब का भाई साहब, क्या लग रही है मूर्ति। देखो अभी सिर्फ व्हाइट ही कलर हुई है, और जो शाइनिंग आ रहा है इस पे वो देखो। और जो मूषक महाराज है वो पूरा शेर के शेप में बना हुआ है, सिर्फ जो सिर है वो मूषक महाराज का है, बाकी जो शेप अपन देख पा रहे हैं ये शेर का है। और यहाँ पे गणेश जी देखो क्या जबरदस्त लग रहा है। और जो बैकग्राउंड है वो आप देखिए, यहाँ से क्या गजब डिटेलिंग वर्क है, देखने में शानदार लग रही है। अगर इसकी साइज की बात करूँ तो चौड़ाई लगभग आएगी 8 से 10 फीट की, और हाइट की बात करूँ तो लगभग 11 फीट की हाइट की आएगी। तो जो भी पंडाल में रख रहे हैं ना, भव्य पंडाल होना चाहिए, तब ये मूर्ति लगेगा गजब का, कलर हो जाएगा, उसके बाद पॉसिबल होगा तो आएंगे और आपको दिखाएंगे, लगेगी भाई मूर्ति गजब की। और इस तरफ देखिए, इस तरफ सिर्फ वाइट कलर हुआ है, और वाइट कलर के बाद ही आप शाइनिंग देखो, क्या जबरदस्त है भाई, एक नंबर लग रही है। और नीचे में यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा। और जो बैकग्राउंड डिटेलिंग वर्क है ना वो आप देखो, अभी तो 50% ही काम हुआ है बैकग्राउंड में, लेकिन जो लग रहा है ना वो गजब का लग रहा है। और मूर्ति देखिए, तो इस साल तो आप ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन अगले साल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ का। और ये देखो, है ना जबरदस्त। इस तरफ भी आप दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, और ये सामने देखिए, इसका जो डिटेल वर्क है वो देखो। अगर यहाँ पे बॉडी पे भी देखते हैं ना, तो यहाँ पे गणेश जी बने हुए हैं देखिए, है ना, ये देखो बॉडी पे भी अगर अपन ध्यान देते हैं, इवन हाथ में देखिए, यहाँ पे जो अंगूठे वगैरह हैं उस पे भी आप देखिए गणेश जी। इस तरफ देखिए मोदक में भी गणेश जी,
पूरा बॉडी पे देखिए, है ना, जबरदस्त लग रहा है। और मुकुट पे देखिए, ऊपर पे देखिए, क्या जबरदस्त लग रहा है, एक नंबर भाई। ये पूरा यूनिक डिजाइन हो गया, मतलब अभी तक अपन ऐसा कुछ मूर्ति देखे नहीं है। देखिए यहाँ पे हनुमान जी है ना, जबरदस्त। ओ भाई साहब, तो इसमें सिर्फ अभी व्हाइट पुट्टी का काम हुआ है, उसमें इतना जबरदस्त लग रहा है। जब पूरा कलर का काम होगा ना, तब देखने लायक रहेगा। और जो बैकग्राउंड वॉक वगैरह है वो देखिए, अभी जो श्रृंगार का काम है वो चालू हो रहा है, उसके बाद कलर होगा। देखिए ये हो गया उनका सेकेंड वर्कशॉप। गाइस ये था औंधी गांव का बल्लभ चक्रधारी जी का यहाँ का गणेश मूर्तियाँ। तो कैसा लगी हमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।